हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप सबको किस तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है? किसी बच्चे को कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, किसी बच्चे को कार्टून कैरेक्टर्स की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, किसी को कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो इस तरह से हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग पसंद होती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत मोटी सी किताब देखी हो और बोला, अरे बाप रे, ये तो बहुत मोटी किताब है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? होता है ना ऐसा? तो कुछ ऐसा ही वीरू के साथ भी इस कहानी के अंदर हुआ। वीरू जो है एक लड़की है, आपको यहाँ पर ये लड़की नज़र आ रही है ना, इस लड़की का नाम वीरू है। तो इस पाठ के अंदर हम इसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो जो माँ है उसने वीरू को, यानी इस लड़की को, एक संदेश लेकर, संदेश क्या होता है बच्चों? मैसेज, ठीक है, संदेशा, ठीक है, किसी का पैगाम। तो जब हम किसी की बात को किसी और तक पहुंचाते हैं तो उसको हम कहते हैं संदेश पहुंचाना। अब वो संदेश चाहे कागज़ में लिखकर पहुंचाया जाए या फिर हम उसको बोलकर किसी को बताएं, है ना, तो वो होता है मैसेज या फिर संदेश। तो जो माँ है उसने वीरू को भी एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया और बोला कि इसको मेरी बहन के पास पहुंचा देना। तो माँ की बहन वीरू की क्या लगी? माँ की बहन वीरू की मौसी लगेंगी ना। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि माँ ने वीरू को उसकी मौसी के पास भेजा एक संदेश लेकर। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। फिर जब वीरू मौसी के घर पहुंची तो मौसी ने वीरू को प्यार से बुलाया, घर के अंदर बुलाया और उसको घर की बैठक में ले गई। बच्चों, बैठक क्या होती है? आप सबके घर में ड्राइंग रूम होता है ना, ड्राइंग रूम या फिर बैठक वो जगह होती है घर में या घर का वो कमरा होता है जहाँ पर कि हमारे घर में कोई मेहमान अगर आता है तो हम उसको वहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है। आपके घर में भी कभी कोई मेहमान आता है तो जिस रूम में आपने सोफे डाले होते हैं या एक रूम आपने बनाया होता है जहाँ पर कि मेहमान जो है आकर बैठें, है ना, तो उसको हम कहते हैं बैठक, जहाँ पर कि सब लोग क्या होते हैं, इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो मौसी ने भी वीरू को बैठक में जो है बुलाया। तो मौसी जो है वीरू को घर के ड्राइंग रूम, बैठक का मतलब होता है ड्राइंग रूम, ओके, ऐसा रूम जहाँ पर कि मेहमान बैठते हैं। तो मौसी वीरू को ड्राइंग रूम में ले जाती है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। तो जैसे ही वीरू बैठक में पहुँची तो उसने बैठक के अंदर, यानी उसने कमरे के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर कुछ ऐसा देखा कि वो एकदम से हैरान हो गई। अचरज यानी कि हैरान होना, और हैरानी से वो ठिठक गई, ठीक है। अचरज का मतलब होता है हैरान होना और ठिठकना का मतलब होता है एकदम से सहम जाना, ठीक है। जैसे आप जो है किसी भी चीज़ को देखकर एकदम हैरान हो जाते हो तो आप कैसे जो है एकदम स्तब्ध हो जाते हो, सहम जाते हो, यानी कि जैसे हो बिल्कुल वैसे ही बिना हिले डुले खड़े रहते हो, उसको बोलते हैं ठिठकना, बिना हिले डुले कुछ पल के लिए सहम जाना, है ना। तो वीरू भी जैसे ही बैठक के अंदर पहुंची तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर वो एकदम से ठिठक गई, एकदम से सहम गई, एकदम से जो है चुपचाप खड़ी हो गई। तो अब ऐसा वो क्या देख लेती है, देखते हैं। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो उसने क्या देखा बैठक के अंदर? उसने बैठक के अंदर बहुत सारी किताबें देखी। आपको जो है ये कमरा नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर देखिए कितनी सारी किताबें हैं। पूरे रूम के अंदर जो भी अलमारियां हैं ये सब जो हैं किताबों से भरी हुई हैं। तो वीरू ने भी पहली बार इतनी सारी किताबें देखी थी, तो इतनी सारी किताबें देखकर वो एकदम से हैरान हो गई और सहम गई। फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थीं। तो बैठक के अंदर जो है दो दीवारें बिल्कुल जो है किताबों की अलमारियों से भरी हुई थी, यानी बैठक के अंदर दो दीवारें ऐसी थी जिसमें बहुत सारी अलमारियाँ बनी हुई थी और उन अलमारियों के अंदर जो है किताबें भरी हुई थी। तो खाने क्या होते हैं, खाने जैसे कि ये अलमारी है, अलमारी के अंदर बहुत सारे इस तरीके के से जो है शेल्फ़ बनी रहती है ना, तो इस एक खाने को हम बोलते हैं एक शेल्फ़ यानी एक खाना। तो ये क्या हुआ, एक शेल्फ़ हुआ, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे इस अलमारी में पांच खाने हैं, ठीक है। तो इन खानों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेल्फ़, SHELF, शेल्फ़। तो ऐसे ही वहाँ पर दो दीवारों पर बहुत सारी अलमारियाँ बनी हुई थी और अलमारी के जो खाने थे यानी अलमारी की जो शेल्फ़ थी, उस शेल्फ़ के अंदर, उन खानों के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और उन्हीं किताबों को देखकर वीरू सहम जाती है क्योंकि उसने कभी भी इतनी सारी किताबें एक साथ नहीं देखी थी। वह आंखें फाड़े देखती रही, आंखें फाड़े यानी कि टकाटक उसको आश्चर्य से, हैरानी से, ठीक है। तो वो आश्चर्य से यानी हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर यानी आंखें फाड़ कर उन किताबों को देखती ही रही। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, क्योंकि उसने पहली बार इतनी सारी किताबें जो है एक साथ देखी थी, क्योंकि ना उसके घर में इतनी सारी किताबें थी ना उसने कहीं और एक साथ इतनी सारी किताबें देखी होंगी। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो जब वीरू बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी, आश्चर्यचकित होकर वो पहले तो सहम गई, ठीक है, थोड़ी पल के लिए वो रुक गई, लेकिन फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उसने साहस जुटाया। साहस का मतलब बच्चों क्या होता है, हिम्मत, ठीक है। तो वीरू ने क्या किया, हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर जो है उसने अपनी मौसी से पूछा, मौसी क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो वो जैसे एक्साइटमेंट हो जाती है ना, जैसे आप किसी चीज़ को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, तो फिर ऐसे ही वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई, ठीक है, और अपने एक्साइटमेंट में उसने पूछ लिया कि मौसी क्या आपके पास भी इतनी सारी किताबें हैं, क्या आपके पास बच्चों की भी जो है इतनी ही किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ यह देखो। तो जैसे ही वीरू ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं, तो मौसी बोलती है, हाँ बिल्कुल है, ये देखो। तो उन्होंने जो है यह वाला खाना और यह वाला, तो मौसी क्या बोलती है कि यह वाला खाना और यह वाला, तो मौसी ने उसको दो खाने दिखाए और बोला कि ये जो दोनों खाने हैं इसमें बच्चों के लिए ही किताबें हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो जैसे ही मौसी कहती हैं कि ये वाला खाना और ये वाला खाना जो है इसमें बच्चों की ही किताबें हैं, तो वीरू फिर से हैरान हो जाती है, यानी फिर से वो जो है आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतनी सारी किताबें, ढेर सारी यानी कि बहुत सारी किताबें, ठीक है, तो इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो वीरू कहती है, भाई मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तो अब मौसी क्या कहती हैं वीरू को, मौसी ने देख लिया कि वीरू जो है इन बुक्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही है, उसने कभी इतनी सारी बुक्स नहीं देखी, तो उन्होंने उसको कह दिया कि अगर तुम्हें भी पढ़ने के लिए कोई किताब चाहिए तो मैं इन किताबों में से तुम्हें जो है कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी जो है वीरू से पूछती हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पसंद है, अधिक मतलब ज़्यादा। तो अब वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। तो जैसे ही मौसी वीरू से पूछती हैं कि तुम्हें किस टाइप की किताबें पसंद हैं, ठीक है, कौन सी किताब तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं वैसी ही किताब निकाल कर तुम्हें दे दूँगी पढ़ने के लिए, लेकिन फिर वीरू क्या कहती है, वीरू जो है कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे पता नहीं, मालूम यानी पता,
ठीक है। तो वीरू कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरीके की किताबें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। मौसी ने कहा, एक किताब निकाल कर मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो जब वीरू ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की किताब सबसे ज़्यादा पसंद है, तो फिर मौसी जो है अपनी पसंद से एक किताब निकालती है, क्योंकि वो सोचती हैं कि शायद ये वाली किताब वीरू को पसंद आ जाएगी। तो उन्होंने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा कि तुम इस किताब को पढ़ कर देखो। तो वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली। तो जैसे ही मौसी ने किताब वीरू को दी, वीरू एकदम से घबरा गई, ठीक है, घबराना यानी डर जाना, और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। तो वीरू घबरा कर क्या कहती है कि यह किताब तो बहुत मोटी है, यानी मौसी ने जो उसको किताब पढ़ने के लिए दी थी ना, वो बहुत मोटी किताब थी। और इतनी मोटी किताब अगर कोई भी देखेगा, अगर आप भी उस किताब को देखोगे, मोटी मोटी किताबों को, तो आप भी डर जाओगे ना कि इतनी मोटी किताब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, है ना। तो ऐसे ही वीरू भी डर गई, वो भी घबरा गई कि इतनी मोटी किताब ये तो मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। तो मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर उसके बाद मौसी जो है वीरू को एक सुझाव देती है, सुझाव यानी अपना कोई ओपिनियन देना, ठीक है। तो मौसी भी वीरू को अपना एक सुझाव देती हैं, अपना एक ओपिनियन देती हैं, अपना परामर्श देती हैं कि अगर तुम्हें ये मोटी वाली किताब नहीं चाहिए, तो शायद तुम्हें जो है यह वाली किताब ठीक लगेगी। यानी मौसी ने उस मोटी वाली किताब को वापस रखा और वीरू को एक दूसरी किताब दी और कहा कि शायद ये वाली किताब तुम्हें पसंद आएगी, ठीक है। तो वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो जब मौसी ने उसको दूसरी किताब दिखाई, तो अब वीरू को लगा कि ये वाली किताब, अरे ये तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि ये तो मेरे बस्ते के अंदर भी नहीं आएगी। बस्ता क्या होता है बच्चों? बैग। तो वीरू कहती है कि ये वाली किताब तो मेरे बैग के अंदर भी नहीं आएगी। बस्ता, बैग, झोला, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। बैग को हम बस्ता और झोला भी कहते हैं। तो वीरू के बैग में वो वाली किताब नहीं आ पाती, क्योंकि वो किताब जो है बहुत बड़ी थी, जो दूसरी वाली किताब मौसी ने उसको निकाल कर दी थी। तो अब क्या हुआ, पहली वाली जो किताब थी वो तो बहुत मोटी थी, उसको देखकर तो वीरू वैसे ही डर गई। अब जो दूसरी वाली किताब है वो बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि वो उसके बैग में भी नहीं आ पाती। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मौसी अब क्या कहती है, मौसी एक तीसरी किताब निकालती है, यानी पहली और दूसरी किताब उन्होंने रख दी वापस, और उन्होंने एक तीसरी यानी एक थर्ड बुक निकाली और उसको वीरू को दिखाकर बोला, इस किताब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी इस किताब के बारे में तुम क्या सोचती हो। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। तो जो वीरू है उसने पहले तो किताब को देखा, किताब के जो पन्ने हैं, पन्ने का मतलब होता है पेज, ठीक है। तो किताब के जो पेजेस हैं, किताब के जो पन्ने हैं, वो उसने पलटे, टर्न करे, पलटना यानी कि टर्न करना, ठीक है। तो उसने उसको टर्न किया और फिर उसने यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। तो अब जब उसने तीसरी वाली किताब देखी, तो तीसरी वाली किताब को देख के उसने क्या फैसला किया, क्या डिसीजन किया? फैसला का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है। तो उसने ये डिसीजन लिया कि ये वाली जो किताब है ये तो बहुत ही पतली है, ठीक है, इसके अंदर तो पढ़ने के लिए बहुत ही कम है, और इसके अंदर जो तस्वीरें बनी हुई हैं, जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी हैं, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। अब जैसे ही वीरू कहती है कि ये किताब तो बहुत पतली है, इसमें छोटी छोटी तस्वीरें हैं, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, यानी वीरू किसी ना किसी तरीके से तीसरी किताब में भी कोई ना कोई कमी निकाल देती है।
अब क्या हुआ था, पहली किताब मोटी थी, दूसरी किताब बहुत बड़ी थी, तो मौसी ने सोचा कि इसको जो है मैं एक पतली किताब निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि मोटी किताबें इससे पढ़ी नहीं जाएंगी, इसको पसंद नहीं आ रही है मोटी किताबें। तो मौसी ने यही सोचकर उसके लिए एक पतली किताब निकाल दी। अब वीरू को अब ऐसा लगा कि ये किताब तो बहुत पतली है, इतनी पतली है कि इसमें तो पढ़ने के लिए भी बहुत कम है, और ऊपर से इसकी तस्वीरें भी छोटी छोटी हैं, इसको पढ़ने में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो फिर जब वो ऐसा कहती है तो मौसी को लगता है कि वीरू के लिए किताबें चुनना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वो वीरू को कह देती हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, मुझे तो ऐसा लगता है। चुनना का मतलब होता है चूज़ करना, है ना, जैसे आपके पास भी कोई चॉइस होती है, आपको कुछ चीज़ों में कुछ चुनना होता है, उसको हम कहते हैं चूज़ करना, ठीक है। तो मौसी भी कहती हैं कि भाई तुम्हारे लिए किताबें मैं तो नहीं चुन सकती, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। तो अब मौसी क्या कहती हैं कि अगली बार जब भी तुम आओ, यानी नेक्स्ट टाइम जब भी तुम आओ, तो अपने साथ जो है एक फुट्टा, फुट्टा क्या होता है बच्चों, फुट्टा होता है स्केल, ठीक है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी स्केल होता है ना, स्केल की हेल्प से आप लाइन खींच सकते हो सीधी सीधी, है ना, और अगर आपको कुछ नापना हो तो भी आप स्केल की हेल्प से नाप सकते हो, ठीक है, तो वो होता है स्केल। तो अब मौसी कहती हैं वीरू को कि नेक्स्ट टाइम तुम जभी भी आओ तो अपने साथ एक स्केल लेकर आना। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों, तो अब वीरू हैरान हो गई, मौसी ऐसे क्यों कह रही हैं कि फुट्टा लेकर आना, फुट्टे का मैं क्या करूँगी यहाँ पर, है ना। तो मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना। तो अब मौसी जो है वीरू का मजाक बनाते हुए और वीरू पर हंसते हुए कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जो है कोई किताब अभी पसंद नहीं आ रही, कोई किताब तुम्हें मोटी लग रही है, कोई तुम्हें पतली लग रही है, कोई तुम्हें बड़ी लग रही है, तो ऐसा करना कि अगली बार जब भी तुम आओ तो अपने साथ जो है एक स्केल लेकर आना, एक फुटा लेकर आना। क्यों लेकर आना, क्योंकि तुम उस फुटे से किताब को नाप लेना और जितनी मोटी या जितनी पतली किताब तुम्हें चाहिए उससे नाप कर ले जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से मौसी जो है वीरू के साथ मजाक करती है। तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो जैसे ही मौसी उसके साथ मजाक करती है तो वीरू बेचारी शर्मा जाती है। तो वो क्या करती है कि माँ ने, वीरू की माँ ने जो भी अपनी बहन के लिए संदेश भेजा था, ठीक है, तो वो जो संदेश है उन्होंने कागज़ में लिखकर भेजा था। तो वीरू क्या करती है, जिस कागज़ में माँ ने संदेश लिखा होता है उस कागज़ को वो मेज़ पर रखती है। मेज़ क्या होती है बच्चों, टेबल, ठीक है। तो वो उसको टेबल पर जो है रख देती है और एकदम से वहाँ से भाग जाती है, ठीक है। तो ये थी कहानी। तो हमने देखा कि कहानी के अंदर वीरू कितनी कन्फ्यूज थी, है ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कौन सी किताब पढ़नी है। कोई किताब उसको मोटी लग रही थी, कोई उसको पतली लग रही थी, कोई उसको बड़ी लग रही थी, वो बेचारी कंफ्यूज हो गई थी। और जब वो इतनी कंफ्यूज हो गई थी तो मौसी ने भी उसका मजाक बना दिया। तो ये कहानी थी हमारी। अब जो है इस कहानी के अंदर बच्चों कुछ जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्ट या नए वर्ड्स हमने इस कहानी के अंदर पढ़े हैं। पहला है संदेश। संदेश का मतलब क्या होता है बच्चों, पैगाम या फिर मैसेज, ठीक है। तो हमें अगर अपनी कोई भी बात किसी तक पहुंचानी होती है तो वो होता है संदेश। तो संदेश जो है हम जो है टाइप करके जो है मैसेज के फॉर्म में भी दे सकते हैं, या फिर हम उसको कागज़ पर लिखकर भी किसी को दे सकते हैं, या फिर हम किसी को बोलकर बता सकते हैं ताकि वो हमारा संदेश किसी और जिस तक भी हमें पहुँचाना है उस तक पहुँचा सके। नेक्स्ट है बैठक। बैठक होता है बैठने का स्थान। घर में जो ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर कि मेहमान आते जाते हैं, जहाँ पर कि हम मेहमानों को बिठाते हैं, या जहाँ पर कि घर के सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ सकें, उस जगह को, उस स्थान को हम कहते हैं बैठक। नेक्स्ट है अचरज। तो अचरज का मतलब होता हैरान होना, सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है, एकदम से किसी चीज़ को देखकर जो है हैरानी होना, उसको हम कहते हैं अचरज हो होना। नेक्स्ट है ठिठकना। ठिठकना का मतलब होता है अचानक से रुक जाना या फिर सहम जाना या स्थिर हो जाना,
ठीक है, जैसे ही हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसको देख के हम एकदम से हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तो कुछ पल के लिए हम रुक जाते हैं ना, हम जैसे खड़े होते हैं या जैसे बैठे होते हैं बिल्कुल बिना हिले डुले उसी पोजिशन में रहते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ठिटकना, ठीक है, यानी एकदम से अचानक से रुक जाना, सहम जाना। नेक्स्ट है आंखें फाड़ कर देखना। आंखें फाड़ कर देखना का मतलब होता है आश्चर्य से देखना। नेक्स्ट है साहस। साहस का मतलब होता है हिम्मत, इसको हम इंग्लिश में करेज भी कहते हैं, हिम्मत जुटाना, करेज जुटाना, ठीक है। ढेर सारी, ढेर सारी यानी बहुत सारी। नेक्स्ट है मालूम। मालूम करना यानी पता करना। अगला है घबरा कर। तो घबराने का मतलब होता है डरना, यानी घबरा कर यानी डर कर। अगला शब्द है सुझाव। सुझाव का मतलब होता है किसी को अपना परामर्श देना, ओपिनियन देना, ठीक है। तो अगर हमें जो है किसी को अपने कोई सुझाव देना है, जैसे किसी चीज़ के बारे में कि भाई तुम ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, तो वो होता है किसी को सुझाव देना। अब उस सुझाव पर दूसरा जो है वो अमल करे या ना करे, वो उसकी मर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है बस्ता। बस्ता का मतलब होता है बैग या झोला, जो जैसे हमारा जो स्कूल बैग है उसको हम हिंदी में बस्ता कहते हैं। अगला शब्द है फुटा। फुटा बच्चों क्या होता है, लंबाई नापने का एक यंत्र होता है, स्केल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो जिससे हम किसी भी चीज़ की लंबाई नाप सकते हैं, है ना, या उससे हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, उसको हम स्केल और हिंदी में हम उसको फुटा कहते हैं। तो ये थे पाठ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। आई होप आप सबको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी समझ आ गई होंगी और ये पार्ट जो है वो भी समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट।